नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। दरभंगा जिला कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर एक सम्मेलन समारोह सभा का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा, प्रखंड और पंचायत स्तर के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने भाग लिया और राज्य भर के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की अपील की। 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा इलेक्शन की नई रणनीति बनाई और 23 जून 2023 को राहुल गांधी के पटना आगमन की भव्य तैयारी करने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर पटना जाने की बात की। देखिए ये रिपोर्ट। दरभंगा जिला कांग्रेस मुख्यालय में सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में सभी विधानसभा, प्रखंड एवं पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मीडिया सेल अध्यक्ष असलम आजाद, जिला सचिव, महासचिव उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में डिप्टी मेयर एवं पूर्व जिला महासचिव नाजिया हसन को पाक चादर से सम्मानित किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के जन्मदिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और साथ में ये भी चर्चा हुई कि 23/6/2023 को राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय पटना में दरभंगा जिला के सभी जिला, प्रखंड एवं पंचायत अध्यक्ष, जिला कोर कमेटी, महिला सेल अध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि अपने समर्थकों के साथ अधिक से अधिक संख्या में पटना पहुंचकर राहुल गांधी जी का भव्य स्वागत करें। साथ ही ये भी चर्चा हुई कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का कोई भी प्रत्याशी हो, ईमानदारी से हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर उस कैंडिडेट को जिताने में पूरा सहयोग करेंगे। और 2025 के विधानसभा चुनाव की भी चर्चा हुई और ये भी ऐलान किया गया कि प्रखंड स्तरीय कोई भी कमेटी बची हुई हो तो उसे तुरंत बनाकर जिला को सूचित करें। इस मौके पर अलीनगर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अंसार हसन, हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष मुदस्सिर हयात, बहादुरपुर प्रखंड अध्यक्ष उदित नारायण चौधरी, नगर अध्यक्ष राजा हुसैन अंसारी, जिला महासचिव हसमत अली अंसारी, युवा जिला सचिव विशाल आनंद, यूथ उपाध्यक्ष नारायण पासवान, प्रदेश मेंबर दयानंद पासवान, जिला कोषाध्यक्ष गणेश चौधरी, प्रोफेसर शिवनारायण पासवान, प्रोफेसर मिथिलेश यादव, पूर्व बेनीपुर विधानसभा प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी, बेनीपुर प्रखंड अध्यक्ष देवकी नंदन ठाकुर, पूर्व युवा जिला अध्यक्ष राहुल झा, प्रदेश डेलीगेट सतीकांत झा, मनोज कुमार झा, हनुमान नगर प्रखंड अध्यक्ष जयशंकर चौधरी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड अध्यक्ष संजय झा आदि मौजूद थे। दरभंगा से जफर साजिद की ये रिपोर्ट। आने वाला चुनाव 2024 में लोकसभा और 25 में विधानसभा चुनाव है, उस संदर्भ को रखते हुए ये आज की संगठन की ये विस्तारित बैठक बुलाई गई है, जिसमें हम लोग संगठन कैसे हम लोग जिला में मजबूत करें, प्रखंड में मजबूत करें, गांव में मजबूत करें। और 23 तारीख को 4 साल के बाद राहुल जी हमारे पटना बिहार आ रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष श्री अखिल मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब और जनप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं सदाकत आश्रम, जो बिहार के कांग्रेस दल का स्वागत करने के लिए तत्पर है। उस तत्व में दरभंगा जिला के कांग्रेस परिवार के सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ स्वागत समारोह में भाग लेंगे। इन्हीं शब्दों के लिए, इसी सब कार्यक्रमों के लेके आज की बैठक आ रही है। यहाँ हमारे प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लोग आए हुए हैं, हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि अजय जलान बाबू हैं, हमारे प्रतिनिधि बेनीपुर के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी जी हैं, हमारे गणेश सिंह जी हैं, हमारे महिला कांग्रेस के पूनम झा जी हैं, रिया साहब हैं, हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप चौधरी जी हैं, दीपन झा जी हैं, विनोदानंद झा जी हैं, अपने दूर मिश्र जी हैं, रतिकांत जी हैं, मनोज मिश्रा जी हैं, हैदर अली जी हैं, राम पुकार चौधरी जी।
जी है, असलम जी है, बहुत सारे कार्यकर्ता जिला से आए हुए हैं, सबका नाम बोले टाइम लगेगा, सबका नाम ले लूँगा। हाँ, अलग अलग प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण सब लोग सम्मिलित हुए हैं। सच्चाई को हमें कबूल करना होगा। मेरा ये कहना है कि हम लोग विगत कई वर्षों से इस बिंदु पर चर्चा करते आ रहे हैं कि संगठन मजबूत कैसे होगा, संगठन मजबूत कैसे होगा, संगठन मजबूत कैसे होगा। लेकिन हम लोग संगठन मजबूत करने के लिए इच्छा नहीं है। मेरा ये काम कहिएगा क्यों, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? हमारे जितने भी शीर्ष नेता है वो नहीं चाहते हैं कि जन्मदिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, चिंतकों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आज जो आज का जो विषय है वो विषय है जो हमारा संगठन है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कैसे हम पंचायत स्तर तक मजबूत करें, उसी के रिगार्डिंग एक भावी रूपरेखा तैयार करने के लिए यहां बैठक आयोजित की गई है। इसमें बहुत सारे विषय पे जो है मुद्दों पे बातचीत हुई है, इसमें कि हमारे बहुत सारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो जिला कमेटी के सचिव महासचिव और जो पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बहुत सारे विषयों पर अपना विचार प्रकट किया गया और एवं भावी रूपरेखा देने के लिए जो है यहाँ पे विचार विमर्श के बाद जो है एक भावी रूपरेखा दिया गया कि कैसे जो है इस मंथ के लास्ट तक जो है हम अपने संगठन को मजबूत करें। और राहुल गांधी जी का जो विचारधारा है, जो कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है, सेक्युलरिज्म का, सोशल जस्टिस का, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का, उसको हम कैसे ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाएं। दूसरी चीज़ जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा का जो आंदोलन छिड़ा था, जो नफरत के विरोध में, लोकतंत्र विरोध में, फासिस्टवादी सरकार के विरोध में जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरुआत हुआ था, उसको भी हम हर घर तक, हर जन जन तक लेकर के जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को दरभंगा जिला में मजबूत करेंगे। धन्यवाद। अक्षय कुमार जी, प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गरीब लाल दास जी के द्वारा मनोनीत किए गए हैं, वो हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं इनसे भी आग्रह करता हूं कि 2 मिनट में राजीव जी की जन्मदिन शुभकामना के साथ, राहुल गांधी जी की जन्मदिन की शुभकामना के साथ 23 तारीख को आप कुशेश्वर विधानसभा से ज़्यादा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे जनप्रिय नेता राहुल जी का बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम में इस जोरदार ढंग के स्वागत किया जाएगा, उसके संबंध में भी आप अपनी दोनों में विचार रखें। पूरे सभा में तो हम सबसे छोटे, अभी हमारी 30 साल उम्र ही, सब बड़े लोगों को तहे दिल से प्रणाम, अगर हमसे कोई छोटे हो तो बहुत प्यार। 16 तारीख को हमको चिट्ठी मिला था कि हमें बना दिया गया है अध्यक्ष और कल हमने पदयात्रा निकाला। हमने हमारी तीसरी पीढ़ी है जो अभी कांग्रेस में घुसे हैं, स्वर्गीय बालेश्वर बाबू हमारे दादाजी हुए, वही खून हमारे भी नसों में दौड़ रहा है, है और रहेगा। दूसरी बात लोग कहते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कमजोर रहे, हम सबसे मजबूत हैं। मैं दरभंगा का दो उदाहरण देता हूँ, स्थानीय निकाय में हमसे संबंध संगठन नहीं किया गया गठबंधन, जितना वोट हमको आया उससे आरजेडी का कैंडिडेट हार गया। हम लोग सारा चुनाव लड़े, हमको 42,000 वोट आया, 35,000 यहाँ से फातिमा हार गए। जीत की राह हम ही से बनती है, हम सबसे मजबूत है। आप वीडियो जब तक कहा था आपकी संख्या कम रही होगी, आपकी संख्या बेसी होती थी वीडियो हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आप हंगामा करते थे, मारपीट नहीं कीजिए, लेकिन आप हंगामा के डर से वो आपकी ऐसी हिम्मत नहीं करता, अपनी ताकत बढ़ाइएगा तो निश्चित तौर पर सम्मान।
पेशेंट को मर जाता हूँ, कोई जान नहीं हो, जबरदस्ती नंबर ठेल के पास हुआ। अच्छा याद दिलाया, किसी भाषा में इसको ये लोग पेशेंट आज तक नहीं देखा। पहला कमेंट से लास्ट कमेंट उसका पड़ गई है, उससे ज्यादा ही पूछ लगे तो उसका पढ़ना नहीं भाग करके हम हाँ हम तो पहुंचे कांग्रेस कार्यालय में, इसीलिए हम मैं मोहम्मद अंसार हसन अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी अली है। आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार हम लोग जिला में इकट्ठा हुए हैं, सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, इसके शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हर बधाई शुभकामनाएँ। साथ ही साथ ये भी बैठक हुई है जिला में, पटना में राहुल गांधी 23 तारीख को आ रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सभी दरभंगा जिला के पदाधिकारी, कांग्रेस के पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष को भारी तादाद के साथ राहुल गांधी के स्वागत में पटना पहुंचना है। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। संगठन कैसे करना चाहिए, कैसे होगा, कैसे आगे चलेगा। दूसरा कमेटी के लिए है कि कमेटी बना, किसका दिन बना, किस दिन बना, उसके लिए अध्यक्ष होना है। तीसरा राहुल गांधी जी जो आएंगे उसके लिए वहाँ कैसे व्यवस्था करनी, कैसे तो हमारे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष तीसरी बार बनने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। हमारे गार्जियन सीताराम चौधरी जी जिलाध्यक्ष, जलाल साहब, गणेश बाबू, रियाज साहब, मनोज बाबू, जितना हमारे समूह से बैठे हैं भाई, असलम जी, मीडिया प्रभारी को कोई नहीं बोलता है भाई, असलम जी, और सारे प्रखंड के अध्यक्ष और डेली गेट्स और कार्यकर्ता सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। संगठन के कैसे संगठन बनेगा उसको, संगठन को मजबूत कर दी। अगर महिला कांग्रेस महिला हूँ मैं, अपना भी जोड़ हूँ तो कहने का तात्पर्य है सब आदमी बोल दीजिएगा, ऐसा ऐसा लंबा 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 भाषण देके बोल दीजिएगा, ऐसे ऐसे नहीं होता। गलत गलत अभ्यास के जन्मित हो जान रसरी आवत जात पर सिल पर यदि वो इंडा में से पानी खींचते खींचते इंडा खींच गया, उसी तरह हम लोग यहाँ से बोल देंगे संगठन मजबूत करेंगे, संगठन मजबूत करेंगे, ऐसे होगा नहीं। इसके लिए संगठन को मजबूत करने के लिए जाना होगा, पहला बात। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा है कि जो हमारे यहाँ प्रखंड में डेलीगेट नहीं जाती है, नहीं जाता है, नहीं डेलीगेट के लिए जिस प्रखंड का डेलीगेट बनाया गया उस प्रखंड के अध्यक्ष को दायित्व बनता है कि वो अपने डेलीगेट्स को वहाँ बुलावे। आप डेलीगेट्स को भी बनता है भैया, आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए, बोले दीजिए, आप बोले तो कोई डिस्टर्ब किया, बोलिए, आप बोले दीजिए इनको। और डेलीगेट्स का भी दायित्व बनता है कि वो भी अपने प्रखंड अध्यक्ष को जाकर के हाल समाचार पूछे जो भाई यहाँ पे कार्यक्रम होगा या कुछ कार्यक्रम होने वाला है तो उनको खबर। और संगठन में जहाँ भी बहुत लोग बहुत बात बोले उनका समय भी नहीं है, तो संगठन में हमारी जहाँ मैं आप सभी लोग से कहती हूँ, सारे प्रखंड अध्यक्षों से मैं बोलती हूँ कि हमारी जहाँ जरूरत पड़े हम वहाँ उपस्थित होंगे, हमको जहाँ जरूरत पड़े हम अध्यक्ष को बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे, जितना लोग हैं वहाँ आप लोग कृपया उपस्थित
ऐसे बोल दिया रसरी लेकर के कि जो संगठन मजबूत होगा ऐसे भी संगठन मजबूत नहीं होगा। संगठन मजबूत करने के लिए अपने आप को इस तरह मजबूत करना होगा, पांचे 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 आदमी को, ये आदमी को रोज जोड़ना होगा तो जोड़ करके संगठन बनेंगे। आप भाषण दे दिए, अपने अपने चले गए, संगठन बना नहीं, ऐसे नहीं होता। संगठन को बनाने के लिए हम ही लोग बनाएंगे, कौन बनाएगा? हम कांग्रेसी हैं, हमारे बाप दादा कांग्रेसी थे, हम लोग कांग्रेसी तो हैं, हम लोग कांग्रेसी पद से कौन हटा देगा? पद से हटा देगा, कांग्रेस के सिपाही होने से कोई नहीं हटा सकता। उसके लिए अपना सबको कार्यक्रम करना पड़ेगा, उसके लिए जाना होगा। हमको जाप लाइए, आपकी संगठन नहीं हो रही है, वहाँ महिला है नहीं, समझ रही है हमको, अभी पूछे वहाँ उसको समझाएंगे, हमारा जहाँ नहीं हो रहा आपको बताएंगे, आप ही पूछे हो क्या संकल्प? हमारा प्रखंड अध्यक्ष नहीं है आपके वहाँ, पहले थी लेकिन अब नहीं है। तो खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।